गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज है संडे, तो ये संडे का सुबह की नाश्ता बालू जी के लिए आज उनको खिलाया जा रहा है, ब्रेड बटर और अनार का जूस। उसके बाद उनको खिलाया गया एप्पल और बनाना। फिर मैं लग गई फटाफट अपना खाना बनाने के लिए। आज मैंने तैरी बनाई है क्योंकि आज संडे है, तो थोड़ा कम लोड लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और फिर मुझे जाना भी था। कहाँ जाना था आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, इसलिए फटाफट मैंने लग गई तैरी बनाने के लिए। आलू गोभी टमाटर यही सब डाल के, जैसे आप लोग बनाते हो वैसे मैं भी बनाती हूँ। चावल काफ़ी देर का भीग चुका था, धनिया वनिया डाल के लगा दी मैंने 4 सीटी और फटाफट बन गई मेरी तैरी। उधर मैंने चटनी भी जरूर आज पीसी क्योंकि इन लोगों को बिना चटनी के तैरी खाने की आदत नहीं है, तो फटाफट मैं लग गई धनिया मिर्चा काट के बनाई चटनी और ये बन गई मेरी चटनी। बस अमचूर डाला, लो हो गई तैयार हरी चटनी, इतनी तेज और इतनी कड़वी। और अब बनाने लगी हूँ मैं मीठा। मीठे में आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं रबड़ी बनाऊंगी अपने बालू के लिए, तो मैंने रबड़ी बनाना चालू किया। एक तरफ फटाफट मेरी तैरी भी रबड़ी भी बन गई और बच गया एक। अब मैंने लगाना शुरू की है उनकी प्लेट, तो फटाफट दही आ गया, फोरनी आ गई, रबड़ी आ गई, चटनी आ गई और दही में डाल दिया नमक जीरा और हल्का सा मिर्चा और ये आ गई गर्मा गर्म तैरी। और इसको सजावट के लिए मैंने बनाया है पापड़, जिसको लगा दिया है इस तरीके से, कुछ सजा दिया है। तो चलिए लगाते हैं, बालू जी को खाना खिलाते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। फटाफट पहले मिठाई से शुरू करते हैं, पहले खाते हैं रबड़ी और फिर खाएंगे तैरी। तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल रेडी और मैंने आज ये फिर यही वाली डाली है क्योंकि लेट इतना ज़्यादा हो गया था, काम इतने और टाइम देख लीजिए 2:30 बज रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा यहाँ पर देख लो 2:30 के करीबन बज गया। मेरा 3 बजे का अपॉइंटमेंट है और मैं अभी तक निकली नहीं हूँ, बस फटाफट अब निकल रही हूँ। अब मिलूंगी मैं आपसे बाहर। ये अच्छा लग रहा है, बेटर है ये। और इसके संग ये ले लीजिए रोज गोल्ड।
गाइस, आज मैं रिवील करी कि मैं ये क्यों करूँगा। क्यों क्यों तुम बताओ। मैं तो बताऊँ। बताओ। मैडम बर्थडे के लिए करा रही हूँ। तो कब है बर्थडे ये भी बता दो। कब है? कब है तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता है। तो 26 सितंबर यानी कि परसों। तो आज नेल्स हो जाएंगे? आज तो हो जाएंगे ऑब्वियसली, तो दो दिन थोड़ी ना लगेंगे। बोलो ऐसे नेल्स करना अच्छा लगे इंग्लिश के लिए। हाँ अब ठीक है। पेंट लगवाया तो किसी की शेड के ऊपर ले लेते हैं। ट्रायल चल रहा है। एक ही बचा देख लीजिए कौन सा करेंगे। फाइनल करो। कैमरे पे तो ये वाला अच्छा ये। बाकी तो ये तो नो। मेरे नेल्स हो चुके हैं, बाकी फिर शूट्स वगैरह सब हो चुका है। और मैंने कहाँ से करवाए हैं ये मैं अभी आपको बता दूंगी। पूरा गुंजन नेल आर्ट्स, अभी मैं आपको पूरा इनका डिटेल दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल है और आपको भी कराना हो तो आप भी आ सकते हो। और बाकी मैं घर पर मिलती हूँ आपसे। और ये रहे मेरे नेल्स, आपको प्रॉपर दिखा दूँ। ये रहे दूसरे हाथ के। कलर कैसा लगा और ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। और जैसे तो आपको बता दिया मैंने कि मेरा 26 तारीख को होता है बर्थडे, तो जिसे भी विश करना हो ज़रूर विश करें। और ये सब मैंने उसी के लिए करवाया है, बाकी और कुछ नहीं कराया है। तो हाँ बोलो। हाँ रुक गई मैं। हाँ तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। Hey!
हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर अपने नेल्स करवा के। और जैसे ही मैं वहाँ पे, मेरे बस नेल्स ख़त्म ही हुए थे कि मैं बस अपने सिनेमैटिक्स कुछ शॉर्ट्स वगैरह ले रही थी और कुछ पिक्स वगैरह ले रही थी वहाँ पे, तो ही फ़ोन आ चुका था कि मतलब फ़ोन आया वहीं पे ही आया कि जो शाम को गेस्ट आने वाले थे वो आ रहे हैं। अब मैं भागी हूँ वहाँ से फटाफट, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था कि 5 बजे आएंगे, बट वहाँ पे उनका फ़ोन आया कि बस मैं हम निकल रहे हैं, और उनका घर मेरे घर ज़्यादा दूर भी नहीं है था। तो अब हम लोग फिर फटाफट वहाँ से भागे, और अभी मैं आ तो गई हूँ, बट वो लोग एक बार होके आके यहाँ से चले भी गए हैं। तो अब जल्दी से फटाफट हम लोगों ने एसी वहाँ का खोल दिया, लाइट वाइट खोल दिया, और अब जब मैं आई तो वो चले गए, क्योंकि अब फिर मैंने उनको कॉल किया कि आप यहाँ पे आंटी हैं ही नहीं, तो कह रही हैं कि बिटिया हम चले गए अपने वापस, क्योंकि उनका घर पास में, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे आने में लगेगा टाइम। लेकिन मैं तो फटाफट इसीलिए आ ही रही थी, मैं तो रास्ते में थी। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक की वजह से वो हो गया, तो यही बड़ी दिक्कत हो गई। उन्होंने बोला था 5 बजे, मैं इस हिसाब से गई थी कि मैं 3 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था, 4 या 4:05 तक मेरा काम ख़त्म हो चुका था। बस 2-5 मिनट वो मेरी फ़ोटो लेने लगी, मैं अपनी शॉर्ट्स वगैरह लेने लगी फॉर इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स के लिए, तो बस उसी में ही उनका फ़ोन आया कि हम 4:45 तक आएंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, 4:10 है, हम लोग अभी 15-20 मिनट का रास्ता है, पहुँच जाएंगे। बट वो टाइम से पहले ही आ गई, वो 4:15 पे ही घर के बाहर आके खड़ी हो गई। मैंने उनको इसलिए ये नहीं बताया कि मैं बाहर हूँ, मुझे लगा कि क्या फ़ायदा, मैं तो पहुँच ही रही हूँ, वो तो 4:45 पहुँचेंगी, मैं तो 4:30 तक पहुँच ही जाऊँगी। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो चुका है, बट फिर से उनको अभी कॉल कर दिया तो वो बोली बस हम 2 मिनट में आ रहे हैं। तो चलिए फिर जैसे ही आते हैं फिर मिलवाते हैं, तब तक थोड़ा घर वर ठीक कर लें। एसी तो मैंने चलवा दिया है, लाइट वाइट तो चला दी है, बैठी हुई है वहाँ पे, और आज संडे है तो ये भी है घर पे। तो चलिए आते हैं फिर मिलवाते हैं। और मेरे नेल्स आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेफ्ट का तो आप लोग हमेशा देखते रहते हो, बट राइट का मेरे लिए बहुत ही अजीब अजीब सा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि मैं इससे काम वाम करती हूँ सब, तो अब इससे कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ रहा है। तो बहुत से लोग तो कराई हुई रहती होंगी, तो जो जो कराया हुआ है और उनको कैसा लगता है, मैं क्या कुछ करूँ, कोई टिप्स हो तो बताना, कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये टूट ना जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं, कलर का चॉइस कैसा लग रहा है। कलर मैंने इसलिए ऐसा चूज़ किया है क्योंकि ये सब ड्रेस में चल जाता है, ये मतलब कॉमन जैसा लगता है, बहुत ज़्यादा झूंझां भी मुझे नहीं चाहिए था। और एक ये मैंने ग्लिटर करवाया, एक ये बाकी 3-4 जो है वो नॉर्मल कराए। तो कलर कैसा लग रहा है और मेरे ऊपर मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार कराया है, और परसों है मेरा बर्थडे, तो इसीलिए मैंने और भी ये नेल्स बनवाए हैं। तो देखिए कमेंट करके बताइएगा कि मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं। और मेरी बर्थडे का तैयारी थोड़ी थोड़ी हो चुकी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, सब लोग सरप्राइज रखते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये देखिए परसों की तैयारी हो चुकी, लाइट लगी है, बर्थडे लग। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, गेस्ट आ जाए फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5:30 और बन गई है चाय, और ये लगाने जा रही हैं। वो क्या है चाय में आज? कुल्हड़ वाली इलायची चाय, पार्ले जी। कुल्हड़ में चाय मिली है, पार्ले जी मिला है, खारी भी है शायद। yes. चलो वहाँ पे दिखाते हैं। आज टपरी थी कुल्हड़ की, मैं कितनी आ रही है, इतनी आ रही है कि बता नहीं सकते। उसकी एक मट्टी की सोंधी वाली, जब बारिश होती है और वैसी महक नहीं आती, वही महक आ रही है। और मुझे भी कुल्हर की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। जब हम लोग छोटे थे तब चाय नहीं पीते थे, तो स्टेशन में मतलब कुल्हड़ खा लेते थे, नहीं तो मिलता ही नहीं था ना, कि मतलब चाय नहीं पीनी है, बच्चे चाय नहीं पीते, तो कुल्हड़ का बड़ा शौक था। और अब जब बड़े हुए तो तब तक कुल्हड़ बंद हो गए, अब चाय पीने लायक हुए थे तो वैसे ही कुल्हड़ बंद हो गए, वो डिस्पोजेबल आ गए। तो मैंने कहा वही यार, पहले ही पिला दिया होता तो ज्यादा अच्छा था। आज मैं पिला, तो अभी चलो बालू जी पी रहे हैं, मैं कैमरा फ्लिप करती हूँ पहले। ये रहा उनका आज का नाश्ता, और ये रहे, अरे सामने से हट जाओ यार, ये रहे बालू जी, आप शाम के कर लीजिए दर्शन। और आज इनका माला कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तो लो पार्ले जी खाओ, पार्ले जी की साइज देखिए गाइस। हाँ, अभी नया बिस्किट आया पार्ले जी का बड़ा, और ये चाय में डूबता भी नहीं है, गिरता भी नहीं है, बहुत अच्छा है, हार्ड है। खाली भी खाइए। तो सब लोग करिए दर्शन इनके, और चाय बहुत गर्म है, शाम के दर्शन, और इनको पीने दीजिए चाय।
तो दोस्तों हम लोग की शाम की आरती वगैरह सब हो चुकी है, बालू को भोग भी लगा दिया है, चाय बिस्किट सब खिला दिया जैसे आपको दिखा दिया। और अब आज है, अभी अभी पता चला, अभी नहीं पता चला, सुबह ही पता चल गया था, बट मैं अपने नेल सेल्स में बिजी थी तो इसलिए नहीं हो पाया। और फिर हाँ, शाम को वो लोगों को आना भी था तो हम लोग फिर नेल्स करा के भाग आए थे, नहीं तो हम लोग कहीं से घूम फिर के आते। क्यों? क्योंकि आज है डॉटर्स डे। तो आप सभी जो भी मेरा चैनल को मतलब देख रही हैं, मेरे ब्लॉग्स को देख रही हैं, जो भी डॉटर्स हैं, जितनी भी छोटी मोटी बेटियाँ बच्चियाँ हैं, उन लोगों को हैप्पी डॉटर्स डे। और मुझे तो कोई विश करने वाला है नहीं, खैर कोई नहीं, आप लोगों में से ही कोई अगर देख रहा हो और मुझे बेटी मानता हो तो प्लीज़ मुझे विश जरूर करना। और मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ, कुछ उनको घुमा फिरा दूँ, कुछ दिला बुला दूँ, तो हैप्पी उनका हैप्पी डॉटर्स डे और हैप्पी हो जाएगा। तो इसीलिए अब लोग हम निकल रहे हैं बाहर, तो थोड़ी देर घूम फिर के आते हैं। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। और ब्लॉग को पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे बाहर। ऐसे हाथ से दरवाजा खोलो। कहाँ चले गए? मेरे ये पीछे जाइए, टेबल आगे करो। मैम बैठ ही नहीं पा रही हैं क्योंकि पीछे चेयर पे जाऊँगा। मैम पीली पीली नज़र आ रही हैं, लाइट ऐसी है। नहीं, प्रॉपर नहीं खा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे रिच रिच, और इनको खिला पिला के इनका पेट पूछ कर रहा दी है, खा पी लिया है। अब निकलते हैं घर क्योंकि अब जाके बालू को भी खाना खिलाना है, भोग लगाना है और फिर एडिट भी करना है ब्लॉग को और अपलोड करना है ताकि आप तक जल्दी पहुंच सके और आप मेरे को लाइक कर सको, सपोर्ट कर सको और कमेंट कर सको। तो चलिए मिलती हूँ आपसे आप सीधे घर पर। तो गाइस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं घर। खाना पीना पेट पूजा सब कुछ हो गई है, बाहर बहुत गर्म है। मुझे छोड़ दिया था तो छोड़ क्या दे, तुमको हाथ पकड़ के थोड़ी ना चलेंगे। तुम्हारा कुंभ के मेले में जा रही हो क्या, जो हाथ पकड़ के चल गए और सामने गाड़ी खड़ी है। तो चलिए गाइस आज का दिन करते हैं यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, नए दिन में। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। तो दोस्तों बालू का खाना आने वाला है बस 2 ही मिनट में। खाना लेके आओ। खाना आ गया। तो बालू जी अब खाएंगे आज खाना। खाना तो रोज खाते हैं। आज खाने में है उनके लिए डोसा, चटनी, मिठाई, कॉर्नेटो और रबड़ी ऑन डिमांड है क्योंकि आज सुबह की रबड़ी सबको इतनी अच्छी लगी कि फिर से भोग लगाने को कहा गया और खाने को कहा गया है। तो रबड़ी को आज रिपीट किया गया, अभी तक की सबसे अच्छी मिठाई आज रबड़ी बनी है तो इसलिए रबड़ी को आज रिपीट किया गया। तो पहले तो बालू को खिलाया जाएगा, हो सकता है उन्हें भी अच्छी लगी हो, तो इसलिए चलो उनको खिलाओ ये वाला मीठा, ये वाला। हाँ रबड़ी उन्हें भी दोबारा से खिलाओ, उन्हें भी पसंद आई होगी ऑन डिमांड क्योंकि बहुत बनी भी है, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी। अरे बस अब वो खाएंगे डोसा, कितना क्रिस्पी है गाइस, थोड़ी कम चटनी क्योंकि वो बच्चे हैं। बच्चे ही तो सबसे ज्यादा मिर्चा खाते हैं। यार रख दूँ? हाँ आप खाते रहना। तो चलिए इनको खाने देते हैं और हम लोग अपना खाते हैं। तो ये लीजिए, रात के दर्शन कर लीजिए गणपति बाप्पा मोरिया, आप सबकी सारी मनोकामनाओं को पूरे करें।